अग्नि सेना से संपर्क करें। जयपुर में पैगंबर इस्लाम के 1500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मिलादुन्नबी मामले को मनाने को लेकर ऑल इंडिया मिलाद काउंसिल यूनिट राजस्थान व मकीजे अहले सुन्नत जयपुर की तरफ से राजधानी जयपुर में एक होटल में सोमवार 18 नवंबर को मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ऑल इंडिया मिलाद काउंसिल के संयोजक मौलाना फजल हक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में उलेमाओं, इमामों व बुद्धिजीवियों ने शिरकत कर आगामी 5 सितंबर 2025 को पैगंबर इस्लाम की विलादत को 1500 साल पूरे होने पर भव्य पैमाने पर मनाने का आह्वान भी किया। बड़े पैमाने पर आज मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें उलमा, इमामों और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आए दिन हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही और खुलेआम की जा रही और बहुत ज़्यादा तादाद में की जा रही। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उन पर लगाम नहीं लगाई, जिससे सारे दुनिया के मुसलमान बेजार हैं, देश के मुसलमानों में बेचैनी है। ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा, इसलिए हमने मांग की है कि क्यों ना विधानसभा और पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया जाए, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के धर्मगुरु के ख़िलाफ़ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो कठोर कानून बने, ताकि ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि किसी को फिर किसी धर्मगुरु के खिलाफ टिप्पणी करने की हिम्मत ना हो, साहस ना हो। यही हमारी मांग है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि पुलिस को खुद ही संज्ञान लेके उसको मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट करना चाहिए? भाई सुप्रीम कोर्ट का तो सब मसले में क्या अर्ज करें, अभी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। प्लीज हमारे सब्जेक्ट की बात की। लेटर लिख रहे हैं कि 25 नवंबर 5 सितंबर 2025 को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को, पैदाइश को 1500 साल हो रहे हैं, लिहाजा वो मुल्की सतह पर ईद मिलाद मनाएं और वहाँ पर हुजूर की याद में ऐसी चीज़ कायम करें कि जो रहती दुनिया तक हुजूर की याद जिस तरीके से लोग करते हैं उसके अंदर और इजाफा हो और वो बाकी रहे। भीलवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीक्षक